तुम्हारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होते है सुनो भजो श्री राम श्याम श्री प्रार्थना सभी जीवन श्री महामती करे साथ भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत बोलो श्री प्रहलाद प्यारे की जय धाम के धनी की जय। अब ये सब साथ को लिखो खुश खबर मेहरबानी श्री राज की सो लिखी तो उबर सो लिखी तुम उबर लिखने बैठे संज्ञा को प्रणाम सुंदर साहब जी प्रणाम। लिखने बैठे संध्या को आप धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं। लिखने बैठे संध्या को आप श्री जी महाराज मंगसौर में ठहरे हुए हैं। लालदास और इब्राहिम कुरान का सिपारा उतार रहे हैं। स्वामी जी पास में चारपाई पर लेटे हुए हैं, पड़े पड़े सुन रहे हैं। अपनी सारी परमधाम की बात उसमें निकली तो स्वामी जी कहते भाई सब सुंदर साथ को खबर करो सूचना करो कि कुरान के अंदर हमारे सारी परमधाम की बात है। और शाम को लिखने बैठते हैं, लालदास लिखवाते हैं, इब्राहिम लिख रहा है और कहते वहां सारी रात लिखते हैं। सो जहां तक अरुण उदय जहां तक सूरज निकलता सारी रात लिखते हैं। इब्राहिम जाए अपने घरों जब सवेरा हो जाता है इब्राहिम अपने घर चला जाता है। लाल लाल अपने पे सुबह उठ करके नहा धो के नित्य क्रिया करते हैं। यूं करते उतारे ऐसे करते करते चार सिपारे उतारे हैं। चार सिपारे उतारे हैं। सोलह सिपारा सत्रह सिपारा अठारह उन्नीस सिपारा सारी सारी रात मेहनत करती थी। ऐसे चार सिपारे उतार दिए इब्राहिम तो विचार करते हैं श्री जी सिपारा आखिरी सिपारा लास्ट का तीसवा सिपारा जाकी छत्तीसवीं सूरत उसकी छत्तीसवीं सूरत को उतराने लगे। सोलिया उतार दिए वो भी उतार दिया है शुरू से लगे अलफ लाम मीम से। अलभ कहते मोहम्मद को लाम सतगुरु देवचंद जी महाराज मीम स्वामी श्री प्राणनाथ जी इन तीनों के जो किस्से थे
वो उतरा रहे हैं, फिर दूसरों तीसरों, फिर दूसरों तीसरों सिपारा उतारा है। जब चौथा सिपारा उतार रहे थे तो क्या हो गया? पांचवा शुरू हुआ। ऐसे लालदास महाराज उससे उतरा रहे, इब्राहिम को पैसे दे रहे हैं। वो जो अरबी में लिखा हुआ तो हिंदी में उतार उतार दे रहा है। तो इब्राहिम के मन में क्या आ गया? दज्जाल उसके दिल में आ गया इब्राहिम के, कि अरे मैं पैसे के लालच में अपनी पाक कुरान इन हिंदुओं को दे रहा हूँ, काफरों को उतार उतार के दे रहा हूँ। उसके इब्राहिम के दिल में शैतान बैठ गया। उसने कहा कि तफसीर भी हमारी है, मुसलमानों की चीज है, हिंदुओं को हम क्यों दूं? मैं पैसे के लालच में तफसीर इनको दे दूं अपनी। ऐसे उसके दिल में शैतान बैठ गया। अपने मन को खुशहाल करूंगा, तब इधर उधर की बात करने लगा कि देखो भाई, ये तो जो किताब हमारी है, हमारे मुसलमान भाइयों की है, तुम्हारी नहीं है, इसलिए हम अपने घर ले जाऊंगा। ऐसे उसके दिल में शैतान बैठ गया। हाँ, उसने सोचा ये क्या करेंगे, महात्मा है, गरीब भाई, हमारा क्या करेंगे। हाँ, वो शरीयत का बादशाह का डर देने लगा कि किताब हम ले जाएंगे, तुम ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो मैं बादशाह को खबर करूंगा, सारों को मरवा दूंगा मैं। ऐसा इब्राहिम कहने लगा। तफसीर को जो उतार के दी थी उसने पैसों से, वो कहता है इसको मैं ले जाऊंगा अपने घर, अपने घर ले जाऊंगा इसको। तब लाले पहचानिया, लालदास जान गए कि इसके दिल में दज्जाल बैठ गया, पैसा भी हमने दिया और तफसीर भी ले जाएगा ये। ऐसे पहचान गए लालदास से, दज्जाल मने शैतान का रूप हो गया। ये तो विधवा में झगड़ा करने के लिए ये काम करता है इब्राहिम। लालदास महाराज ने कहा मैं तफसीर क्यों दूं भाई, मैं तो पैसे से उतराई है, कोई फ्री मुतार तो दी नहीं इसने, क्यों दूं इसको मैं, मेरा दीन इस्लाम, ये तो धर्म से मुनकर हो गया, बेईमान हो गया। तब श्री जी जानिया, तब श्री जी ने क्या समझा, उनके मन की बात, उसके मन की बात जान गए कि ये तफसील ले जाना चाहता है इब्राहिम। तब चोखा जवाब दिया स्वामी जी ने, करी तूफान की विख्यात। स्वामी जी का एक मियाँ होश में हो जाओ, हम खाली माला में नहीं फेरते हैं, तुम्हें सीधा कर देंगे, हमारी इतनी जमात बैठी, एक इशारा करूंगा ना तुम्हें चटनी बना देंगे यहाँ सारी। ऐसे स्वामी जी ने कहा, मोमिन दिल दागीर भाई, मोमिन सुंदर साहब दुखी हो गए थे, बात तो मान की सुनी कारे, वो जिद करने लगा कि हम बादशाह को खबर करूंगा, तुमको सबको मरवाऊंगा। ऐसे तूफान की बात करी, स्वामी जी ने कहा इसको क्या कहूँ, ये तो धर्म से मुनकर हो गया है, कितने दिन हो गए इसको लिखते उतारते, इसको पहचान नहीं हो पाई। अब ये बात सुनी पठान, पठान स्वामी जी का शिष्य था दौलत खान पठान, उसने ये बात सुनी, दौड़ करके आया श्री जी महाराज के चरणों में, देखे श्री जी साहब जी को दलगीर, स्वामी जी को दुखी देखा, उन्होंने कहा स्वामी जी क्या बात है, उदास क्यों हो? ऐसा उसने पूछा। जब वो सौंपी उन्होंने आत्मा सौंपी थी शिव जी के चरणों में, सुनाए भाई आप दलगीर, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? सो बात सुनाई काले, शिव जी महाराज ने सुनाई कि देखो इब्राहिम पैसे भी ले लिए इसने और तफसीर कहता हम अपने घर ले जाऊंगा, हमारी मुसलमानों की है, तुम्हारी नहीं है ये। ऐसे तूफान की बात करता है, इब्राहिम झगड़ा करने को तैयार है, जो गरीब लोग ईमान, हाँ जिनको ईमान है, सच्चा गरीब है, उनको डर दे रहा शरीयत का, मोहब्बत खान का, अच्छा ऐसी बात है, हमारे होते हुए इब्राहिम ऐसा तूफान की बात करे। ऐसा वो गुस्सा मुके क्या बोला, तेरे बहुत गुस्सा हुआ है मोहब्बत खान, सिर भानो इब्राहिम का,
इसी मंदसौर में इब्राहिम का सर फोड़ोगे महाराज जी आपके सामने, मंदसौर के बीच में सर फोड़ दूंगा। यहाँ से उठ करके वो इब्राहिम के घर चला गया, लाठी लेकर के मोहम्मद खान कुत्ता मने लाठी, लाठी लेकर के और इब्राहिम के घर पहुंचा है। जा करके बोले कहाँ इब्राहिम, बाहर निकालो इसको, ऐसी आवाज लगाई। जब इब्राहिम कहाँ गया, इसको बाहर निकालो, और गाली दे करके बोला था। तब वो मुनकर भाई, तो उसकी जो जोरू थी उसने कहा यहाँ घर पर नहीं है, वो तो निकाह पढ़ने गए हैं कहीं, निकाह सुनाने गए, मतलब शादी पढ़ने गया है। ये चला गया तो वहाँ ये मोहब्बत खा चला गया है, जा करके वहाँ जहाँ ये निकाह पढ़ रहा था, जब इब्राहिम ने अपना नाम सुना कि मुझे उल्टी सीधी बोल रहा कौन है, तो इब्राहिम निकल करके आया बाहर। अरे भाई हमारे ऊपर इतना क्यों जोरा कर रहे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे गाली दे रहे हो। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, इब्राहिम कह रहा है मोहम्मद खान को कि मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपका दास हूँ, हमारे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे, जो कहोगे वही करूँगा। तब वो मोहम्मद खान कहता है तूने हमारे हादी को दुख क्यों दिया, पहले तो तू कहता था कि हम इनके सेवक हैं, ये खुदा का स्वरूप है, अब फिर तूने क्यों उनको दुख दिया है। ऐसा झूठ बोलता है तू, तूने हमारे आगे कहा था, ये मेरे मुरब्बी हमारे गुरु हैं, ये ऐसा तूने कहा था, अब मैं तो इनका दास हूँ, ये तूने कहा था, फिर तूने अपना मुँह क्यों इनसे मोड़ लिया, अपनी सभी अपनी मुँह क्यों मोड़ा इनसे, तुझे मार डालूंगा मैं। दुआ रसूल की ना छोड़ो क्यों, दुआ रसूल की कसम मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, तूने हमारे आदि को क्यों दुख दिया। जब लाठी लेके मारने दौड़ा लोगों ने बचा लिया, फिर उनके इब्राहिम मोहम्मद खान के चरणों में गिर गया, क्या कहता है वो मोहम्मद खान, कहता मेरे चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा, या उनके पैर पकड़ जिनको दुख दे के आया हादी को, हमारे पैर पकड़ने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कहते एक बार अंगद गए, जब सीता हरण हो गया था तो अंगद गए थे लंका में, तो अंगद में जाके एक शर्त रख दी कि मैं यहाँ पैर जमाऊंगा जमीन में, तुम्हारे लंका के जितने जवान हैं मेरे पैर को हटा देंगे तो सीता यही छोड़ देंगे राम की तरफ से, अगर हमारा पैर नहीं उठा पाए तो सीता वापस करनी पड़ेगी। लंका वालों शर्त मान ली, अरे इतना सा आदमी है ये, कहता है पैर हमारा कोई हटा देगा, इसको तो उठा फेंक दूंगा तो लंका के बाहर जाके गिरेगा। शर्त हो गई, सभा में लंका में रावण की सभा में अंगद में जाकर के राम का नाम लेके जमीन पर पैर टेक दिया। जैसे ही जमीन पर पैर टेका शेषनाग ने पैर उसका पकड़ लिया। अब जितने वहां महाबलवान बलि बैठे थे सब लंका के, बारी बारी से सब पैर को हिलाते हैं, उठा नहीं पाते। रावण बैठा देख रहा, रावण ने कहा अरे लजा दिया तुमने सारे योद्धाओं ने, एक आदमी का पैर नहीं उठा सके तुम। रावण उठा, मैं उठाऊंगा। जैसी रावण आया पैर के तरफ जैसी चला, अंगद ने पैर हटा लिया, अंगद ने पैर हटा लिए, बोले अरे रावण चरण उनके पकड़ राम के तो तेरा कल्याण होगा, हमारे चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। यहाँ मोहम्मद खान कहता है कि हमारे पैर पकड़ने से तुझे माफ नहीं किया जाएगा, जिन हादी को दुख दिया उनके चरण पकड़ चल करके।
ऐसे उसको लेकर के आते हैं स्वामी जी के पास में, राजी कर वो मेरे, उनको राजी करो, बिल्कुल तो दुखी करे आया, धमकी दे रहा है शरीयत की, ना तो तुझे ना छोड़ू, नहीं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मारूंगा मैं। ऐसे दुखी हो करके रात समय उठ के सवेरे उठ करके कहते इब्राहिम आया श्री जी के पास में, इब्राहिम आया था, इब्राहिम आ गया श्री जी के पास, श्री जी के कदमों स्वामी जी के चरणों में पड़ गया है, उठते ही नहीं है, चरणों में पड़ा हुआ, कहता महाराज जी मुझे माफ कर दो बस तब मैं उठूंगा, सर नहीं उठा रहा, चरणों में पड़ा है इब्राहिम ने, तब नूर मोहम्मद ने क्या कहा, उठ खड़ा हो मुर्दा, अरे उठ के खड़ा हो जा, मुर्दा तरह पड़ा है, हमारे हाथी ऐसे नहीं है, वो तो माफ करने वाले कृपा के सागर हैं, मारो कटारी पेट में, हाँ मैं तो तुझे चाकू मार के खत्म कर देता, पर हमारे हाथी का ये आदेश नहीं है किसी को दुख देना, हो जाए तुम्हारे, यही तुझे मैं खत्म कर देता, पर क्या करूँ डरता हूँ हाथी से, पर क्या करूँ हमारे सदगुरु का ये आदेश नहीं किसी को दुख दो कष्ट दो, इनका हुक्म ना दे, इनका हुक्म नहीं है, तू यहाँ जिंदा निकल के जाता है यहाँ से, हमारे हादी को दुखी करके, बेअदबी करके, इतनी बेअदबी करके हमारे हादी की, फिर चिंता उठ के जाए, तू जिंदा चला जाता, लेकिन हमारे सतगुरु का हुक्म नहीं, इसलिए मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुम्हारा गुलाम हूं, अब वो कह रहा है इब्राहिम कि मैं तो आपका गुलाम उदास हूँ, जो कहो वही करूँगा, मुझसे भाई भूल, मुझसे गलती हो गई है, अब माफ करो मुझको, तो सब मोमनों के जितने सुंदर साथ थे सबके पैर पकड़ाए कि सबके पैर पकड़, सबसे माफी मांगे, मैं तुमसे किया रसूल, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी आपसे, तुम्हारे कदम है, मैं तो तुम्हारे चरण पकड़ रखे हैं, तो मैं ना छोड़ू कभी, अब ऐसा कह रहा स्वामी जी को, स्वामी जी मैं आपके चरण कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे से गलती होगी माफ कर दो, सब मोमनों कदमों लगा, सबके मोहब्बत खाने का, सबके पैर पकड़, सबके पैर छुए, तो सब मोमनों के पैर छुए उसने, माफ किया तब, तब उसको माफ किया है, तब उनके भाई, तब उसका भाई जो था उसने जा करके पांचवा सिपारा पूरा किया है, पांचवा सिपारा उतराया है, वो लिखवाने लगा है, पांचवा सिपारा पूरा हो गया, इस समय दज्जाल कौन है, शोर किया मुसलमानों ने, शोर किया कि महात्माओं की बहुत बड़ी जमात है, इनको पकड़ करके ले जाएंगे मैं बादशाह के दरबार में, रहे साथी समझुदे जुदे, सुंदर साहब कम से कम 4,500 की जमात हो गई स्वामी जी के साथ में, तो सुंदर साहब अलग अलग रहते हैं, स्वामी जी के तरफ से किसी में चित नहीं मुड़ता, कोई 10 सुंदर साथ इस गांव में ठहर गए रात को, 50 उस गांव में ठहर गए, ऐसे करते थे लेकिन कोई चितना हुआ मरोड़, सब स्वामी जी के चरणों में आते जरूर हैं, जुदे, क्योंकि औरंगजेब की फौज ने घेरा डाल रखा था, तो एक बार दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए एक बार सुंदर साहब आते हैं श्री जी के चरणों में, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, झोली भर के लिया वही, आप भिक्षा मांगते हैं गांव गांव में, घर घर में जा करके भिक्षा मांग करके ले आते हैं स्वामी जी के पास, सब इकट्ठा रखते हैं, फिर बाइजूराज अपने हाथ से सबको बांटती जिस तरह जिसको चाहिए, तो झोली भर के ले वहीं, बड़े बड़े शेर थे सूरत के रहने वाले, बड़े बड़े विद्वान थे, पर स्वामी जी का आदेश था कि भाई भिक्षा करो, अपने मन को मार लिया, अपने को मिटा लिया, इतने होने वाले दुनिया की झोली भरने वाले आज लोगों के सामने झोली फैलाते हैं, किसी के आगे दरवाजे में जाके झोली फैलाना मरना मंजूर हो जाएगा आदमी को, पर झोली नहीं फैलाएगा, पर ये मोमिन हैं, यही अपने आप को मिटाते हैं, दुनिया वाले नहीं मिटा पाएंगे,
सुंदर साहब जी घर घर जा करके भिक्षा मांगते हैं और वहां से जो मिलता है लिया करके पहले श्री जी के आगे सब रखते हैं। फिर बाईजूराज अपने हाथ से सबको बांटती थी, ऐसी वो हो रही वहां पर टुकड़े मांगत फेर। वो टुकड़े मांग के लाते हैं रोटियां दाल सब्जी जो जिसने दे दिया लेकर के स्वामी जी के पास आते हैं। बोलो श्री प्यारे परम सम्मानित पुजारी महाराज एवं धाम धनी के अति लाडले सुंदर साजी आपके चरणों में कोटानुकोट भी प्रणाम। हमने आज सुना स्वामी जी मंदसौर पहुंचे। मंदसौर की पिता का प्रसंग है जिसे बच्चों के माध्यम से वह दृश्य दिखाकर टुकड़ों की प्रसन्नता वह दृश्य दिखाकर उस समय को याद कर एक दिन के भाव को समझने का प्रयास किया जा रहा है। श्री जी एवं सुंदर साहब फकीरी का वेश धारण किए हुए हैं। कृपा राम भाई एक पत्र लेकर वहां पहुंचे। वह पत्र उदयपुर के साथियों का था। कृपाणा मित्र आया हम पाती पुकार उदयपुर का साथ पाड़ी में हुआ विलाप हरनहार हुआ विलाप हरनहार। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी औरंगजेब की सेना से प्रताड़ित होकर सुंदर साहब जंगलों में पहाड़ों में भूखे प्यासे छिपे हुए हैं। सारी जी रो रोकर विलाप कर रहे हैं। सुंदर साहब जी का विलाप श्री जी के मन को छू गया। उन्हें असह दर्द की अनुभूति हुई। मूल मिलावे का ध्यान करके सुंदर साहब की कष्टों की निवृत्ति के लिए श्री राज जी से प्रार्थना की। रघुवीर मारा तो वास्तनंदन करे जलधार वास्तनंदन करे जलधार रघुवीर मारा तो आपुल रघुवीर मार मार तो हृदय की पुकार परम परमात्मा तक पहुंची। धर्म पर समर्पित सुंदर साहब पर धर्म ने कृपा की। उनके दुख संताप दूर हुए। इसी बीच माया ने अपना प्रबल रूप दिखाया। सुंदर साहब घर घर जाकर टुकड़ी मांगकर झोलियां भरकर लाते हैं। उस समय भी सुंदर साहब ने अपने चित्त को विचलित नहीं किया। मैं तो पाऊं पर जो याद आए
10 मिनट लेट बैठे सेवा करे मोमिन दिल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन हमेशा दिल रोशन यह तो बहुत स्वादिष्ट टुकड़ा है। यह किसकी झोली का है? यह मेरा है, इसे मैं लाया हूँ। यह किसका है? यह मेरा है, इसे मैं बाप को लाया हूँ। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। यह किसकी झोली का है? स्वामी जी, ये मैं लाया हूँ, ये मेरी झोली का है। ये सुंदर साथ जी, आप सब ऐसी परिस्थिति में पहुंचाकर अपने अंदर अपने त्याग और अपने त्याग की पहचान की है। ये सुंदर साथ जी, आपकी त्याग और धैर्य की परीक्षा ली गई है। हमें सौभाग्य मिला है कि हम आपको घर पर भिक्षा मांगकर आपको भोजन करवा रहे हैं। न जाने कब हमको यह समय पुनः
कहा नहीं देगा। ये सुंदर साहब जी, आपने कलयुग रूपी दज्जाल का सिर तोड़ दिया है और माया को ठोकर मार दी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रजराज महारानी की जय। ब्रजराज महारानी की जय। वंदे जय हो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरिद्वार महारानी जो की जय। हरिद्वार महारानी जो की जय। ओम जय धनी की जय। ओम जय धनी की जय। श्री सार की श्री सार की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दर्शन दे दो बहुत बढ़िया हमसे सुना आत्म करती
प्रभु का दर्शन देखो तुम श्री राज आरोग्य हेत सो। सुंदर साथ अपने को मिटा करके भिक्षा करके खाते हैं स्वामी जी, सबके में से एक एक टुकड़ा लेते हैं, जितने सुंदर साथ मांग के लाते हैं सबके झोली में से एक एक टुकड़ा लेकर के और स्वामी जी खाते हैं, बड़े स्वाद से खाते हैं। और स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये मत समझो कि हमारे को कोई ऐसी गरीबी आ गई, हमारे पास धन नहीं है, मैं तो तुम्हें अजमा रहा हूं इस माया में कि तुमने अपने आप को कितना मिटाया है। नहीं तो ऐसी बात नहीं सुंदर साथ जी, मेरता के राजा राम झाजन भाई, सूरत के बड़े बड़े शेठ, बहुत धन था स्वामी जी के पास में, पर स्वामी जी अजमा रहे थे कि देखो तुमने घर परिवार त्याग दिया, पर ये मान सम्मान भी त्याग दिया कि नहीं, इसलिए स्वामी जी ने भिक्षा मंगाई थी, कमी नहीं थी स्वामी जी के पास। तो ऐसे सुंदर साथ ने अपने आप को मिटा करके भिक्षा मांग मांग के लाते हैं। बाईजू राज अपने हाथ से सबको बांटती है, जिसको जितना चाहिए सबको बांट करके बाद में खाती थी, ऐसी सेवा करी है। और स्वामी जी पूछते थे किनकी झोली के कौन ले आया, सो बताओ तुमने, वो अपनी बताते थे, वो अपनी बताते थे। एक प्रसंग याद आ गया, श्राद्धों का समय था, सीता जी ने रामचंद्र से कहा कि भाई मैं ब्राह्मणों को जमाऊंगा तो ब्राह्मणों को रोज भेजना। तो
नोता दे देते थे ब्राह्मण को, आते थे एक पूरी खाई और चले जाते, दूसरी जगह जाके नोता खाते, तीसरी जगह खाते पैसे के लालच में। सीता जी ने कहा कोई ऐसे पंडित को बुलाओ जो पेट भर भोजन तो खाए, हम सुबह से दोपहर तक बनाती हूँ और एक पूरी खा के चला जाता दक्षिणा लेके। रामचंद्र ने कहा चलो ऐसे ही भेजूंगा। अगस्त मुनि को बोले कि महाराज कल हमारे घर आपका निमंत्रण, भोजन वहीं करना। अगस्त मुनि ने कहा कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं प्रभु भोजन, नहीं नहीं कल भोजन हमारे यहाँ करना। चलो ठीक है आपकी आज्ञा। अगस्त मुनि पहुंच गए, खाने में बैठा दिया सीता जी ने, थाली में 10 कटोरी लगाई, पूरी रख दी। अगस्त मुनि ने कहा कि बेटा अरे खवाना है तो ढंग से खवाओ, ये क्या तुमने 10 कटोरी रख दी इतनी इतनी, इसको मैं कान में डालूं या नाक में डालूं, क्या करूं। सीता जी को बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई तो आया खाने वाला, महाराज जी आप खाओ मैं और बना रही हूं। अब खाना शुरू कर दिया अगस्त मुनि ने, 3 बार तो सीता जी ने आटा गूंद लिया और पसीना पहुंचती जाती। अगस्त मुनि खा रहे हैं, सीता जी जब थक गई उन्होंने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, रिद्धि सिद्धि प्रकट होगी आ गई, माता जी क्या बात है, अरे अगस्त मुनि भोजन कर रहे हैं इनके लिए पुणिया बेलो। गणेश जी को याद किया, गणेश जी आ गए। गणेश जी ने कहा माता जी कैसी आज्ञा क्यों बुलाया, अरे अगस्त मुनि भोजन कर रहे हैं तुम पूरी तलो। अब गणेश जी पूड़ियां तल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल रही हैं, सीता जी परस रही हैं। खाते खाते 15 दिन हो गए, अखंड भोग चल रहा 15 दिन हो गए। सीता जी ने कहा महाराज जी, अगस्त मुनि बोले अभी ना बोलो भोजन कर रहा हूं। उनका और कुछ नहीं कहता, मैं ये कहना चाहती हूं कि आधा पेट भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। हाँ हाँ जब आधा पेट हो जाएगा जब पी लूंगा। सीता जी ने कहा ऐसा क्या पंडित बुलाना, अरे श्रद्धा से बुझाए बुलाया भी थोड़ी की श्रद्धा की टांग तोड़ के धर दो। 15 दिन हो गए अखंड भोग चल रहा। अब बाद में रामचंद्र आ गए, अगस्त मुनि रामचंद्र के देखा तो रामचंद्र ने इशारा कर दिया तो उनका बस बंद करो भाई भर गया पेट। अब सीता जी सोचती है अगर पानी मांग दिया तो इतना कहां से ढोंगी हम। वही अगस्त मुनि है सुंदर साहब जी, समुद्र को 3 उंगली में पूरा समुद्र पी लिया था, वो अगस्त मुनि है। ऐसा प्रसंग याद आ गया, अगस्त मुनि 15 दिन तक भोजन करती रहे 24 घंटा। राजी हो गए तिन पर, स्वामी जी उनके ऊपर राजी होते हैं कि आप बहुत अच्छा मांग करके ले आए, बड़े स्वाद से जीम रहे हैं, कितनी मेहनत करके सुंदर साथ ले आया अपने आप को मिटा करके। तो स्वामी जी सबके में से एक एक टुकड़ा जीमते हैं, हसन के बातें करते हैं धनी, मैं अजमावत तुमको सुंदर साथ जी, ये मत सोचना कि कमी आ गई भिक्षा मंगवा रहे, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा, तुम्हें अजमा रहा हूँ कि तुमने घर परिवार सब त्याग दिया और तुमने मैं को भी त्याग दिया कि नहीं, अपने आप को मिटाया कि नहीं मिटाया, मैं तो अजमा रहा हूँ आपको, इस मजहब में अजमा रहा हूँ आपको। मोमिन राजी होके सुंदर साहब बड़े खुश होते हैं कि धनी ऐसा अवसर ऐसा मौका कब मिलेगा हमें, हम भिक्षा करके लाते हैं सब हिलमिल के खाते हैं, बातें करें खुश दिल, बड़े खुशी होके कहते हैं सुंदर साहब है, अरे ऐसा समय कब मिलेगा मुझे, एक दूसरे से हिलमिल करके रहते हैं, दुख सुख में साथ दे रहे, स्वामी जी कहते तुम सिर्फाना दज्जाल का, बड़े बड़े कुटुंब परिवार बड़े बड़े शेठ थे, तुमने उसका तो सब दज्जाल का सिर मिटा दिया, अपने बड़े कुटुंब परिवार में रहते थे, बड़े बड़े शेर थे सूरत के रहने वाले, आज वो भिक्षा मांग के भोजन करते हैं, हाँ इनको
राज्य का जोश लेकर के जबराई लेकर के ये रहते हैं। श्रीमान की समय बाई जिला जिस समय क्या करती हैं? सेवा करी मोमिन, जितने सुंदर साल ले आते थे, नहीं जो मांग के लाए वही खा ले, पर इकट्ठा करते थे। फिर बाई जुरा सबको परोसती हैं, दाल बनाए आगे धरे, दाल बनाए आगे धरे, वो दाल बना लेती जो भिक्षा लेकर मांग के आए हैं। हमेशा दिल रोशन, हमेशा दिल रोशन रहता है, एक दूसरे को सुंदर साथ जी हिलमिल करके सेवा करते हैं, हर बात कर चिंते, हर प्रकार से सेवा करते हैं मिलके, हेत करें बिनो मिने, आपस में हेत करते हैं, परम धाम का संबंध समझ करके सुंदर साथ एक दूसरे को प्यार प्रेम करते हैं। तो किसी को किसी तरह किसी के लिए शक नहीं होती थी। नाना भाई चल गया, सुंदर साथ था नाना भाई, तो मंदसौर में उसका शरीर पूरा हो गया, मंदसौर के बीच में, मंदसौर के बीच में उसका शरीर पूरा हुआ, ताले माफक नहीं रहा, ताले माफक ये रहा नहीं, भरोसा क्षण का बरस मास और दिन, हम भूल जाते हैं राजी महाराज को, कब का शरीर पूरा हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए सुंदर साथ जी मत सोचो कि अभी मेरा उम्र नहीं, अभी समय नहीं, अभी नहीं करेंगे, समय का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पर आकर के उसका शरीर पूरा हो गया, उतनी सुख से उतने सुख ले पाया राजी से मुकुंददास को। अब यहाँ पर मुकुंददास को स्वामी जी कहाँ भेजते हैं? भाव सिंह के पास, भाव सिंह के पास भेज रहे, औरंगाबाद में भाव सिंह हारा था, उसके पास स्वामी जी भेज रहे मुकुंददास को कि मुकुंददास जी तुम भाव सिंह के पास जाओ, उसको समझाओ कि तुम क्षत्रिय होकर के चुपचाप बैठे हिंदू धर्म जा रहा है, कब रक्षा करोगे? ऐसा सोच करके शिव जी ने तुम जाए उनकी खबर ले लो, उनकी खबर लो जा करके, जीवता कुछ आस, हाँ कुछ धर्म में उसको लगन है, प्रेम है कि नहीं है, कि अपने मस्ती में अपने राज में डूबा हुआ है। तो हम अगर मुझे बुलाए भाव सिंह तो मैं आऊंगा, फिर तो हम वहाँ पर आएंगे, वहाँ जाकर के लिखना कि भाव सिंह का अगर भाव है चर्चा करो तो बुलाएगा तो मैं आऊंगा, जैसा समय देखना उसी चिट्ठी लिखना मुझे। मुकुंददास पहुँचे, मुकुंददास जा करके पहुँचते हैं, भाव सिंह से क्यों मिला, भाव सिंह से कैसे मिलते हैं वो बताएंगे, चर्चा उनसे रस पड़ी। जब भाव सिंह के साथ सत्संग हुआ मुकुंददास का, तो भाव सिंह को बड़ा आनंद मिला, अलौकिक चीज सुनने को मिली उसको, तो बड़ा प्रेम उपजा, कबूल किया आपने, उसने कबूल कर लिया कि स्वामी जी को बुलाओ हमारे पास, जिनके सेवक इतना ज्ञान रखते हैं तो स्वामी जी के अंदर कितना ज्ञान होगा, इसलिए उसने कबूल कर लिया बुलाने को। तब वहाँ से कासिद भेजा था, कासिद भेजा था, मंदसौर आके पहुंचिया, जब भाव सिंह से मुलाकात हो गया था तो वहां से कहते भाव सिंह ने बूंदी से हथनी भेजी थी स्वामी जी के लिए कि उसको बैठार करके उनको हमारे पास लाओ, पत्र लेके पहुंचे थे, उसमें अच्छी तरह से विनती प्रार्थना लिखी थी, लिखे थे सुकन लिखे थे भाव सिंह ने, पढ़ करके श्री जी महाराज बड़े खुश हो गए थे, सब सुंदर साथ वहाँ से चलने को तैयार हुए। अब मंदसौर से चल करके श्री जी चलने का सबको खबर कर दी सुंदर साथ को कि भाई यहाँ से अब कल यहाँ से निकलेंगे, सब लोग चलो, सब तैयार हो गए हैं, खबर सब पहुँचाए, जा जा सुंदर साथ रह जाते थे गांव में दर दर, तो सबको खबर कर दी, सब साथ भीड़ हुए, सब सुंदर साथ इकट्ठे होके चलते हैं, कोई चलने को होशियार, वहाँ से चलते मंदसौर से, 8 महीना यहाँ रहे मंदसौर में, हुकुम परवर देगा, अब राज्य का हुक्म हो रहा आगे को, श्रीमती कहीं वहाँ मिलो, परमहंस लाल दास महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये मंदसौर की बीतक, ये मंदसौर की बीतक बताई आपको, यहाँ से आगे चले, अब यहाँ से आगे आकोट होते हुए
स्वामी जी औरंगाबाद पहुंचेंगे, स्वराजी के हुक्म से सुन लो। उज्जैन में उत्सव, यहाँ से आए सीता मऊ, यहाँ से स्वामी जी अपनी जमात लेके चल रहे हैं, सीता मऊ पहुंचते हैं, वहाँ से नौलाई, वहाँ से नौलाई पहुंचे हैं, वहाँ से श्री जी महाराज उज्जैन में पहुंच रहे हैं। 28 दिन की मंजिल करते करते उज्जैन पहुंच जाते श्री जी। छठ को भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष की छठ को एक धनबाई थी वहाँ की, उसने बड़ा आदर सत्कार किया, तो स्वामी जी उनके यहाँ ठहरे। भगवान चौधरी, एक वहाँ के भगवान दास थे चौधरी, वो ईमान लाए श्री जी महाराज के ऊपर है। इन्होंने उत्सव किया, इन्होंने स्वामी जी के लिए सब संतों के लिए भंडारा दिया। बाबूजी उनका बाबूजी नाम था, जी बेटा उनका लड़का का नाम था नांग जी, उनके घर भी गए हैं। भगवान दास का बुला नाम का बेटा जी भाई और कानजी भाई थे, दामोदर दास धनबाई यशो, वो भी ईमान ले आए स्वामी जी के ऊपर। एक लाल जी आए हैं, उनका बुला नाम का लड़का था, और दूसरा लाल जी आए हैं, वो भी आया यहाँ पर है। लाल जी ने भंडारा दिया सब संतों को, स्वामी जी अपने घर में पधरा करके भोजन करवाते हैं। मोहनदास ने भी उत्सव किया, इनकी सब इच्छाएं पूर्ण करी। एक श्री राम आए है, धनजी भाई आए, इनकी इनकी आग्रह थी तो धनजी के यहाँ स्वामी जी पहुँचे, उनकी इच्छाएं पूर्ण करी। कानजी के घर में उन्होंने कानजी ने रसोई दी श्री जी के लिए, बड़ा हाव भाव विनती करी। हाँ, पर बिना अंकुर ना हुए मोमिन, सेवा तो करी चलो कुछ तो फल मिले ही होगा, पर बिना अंकुर ना हुए मोमिन, बिना अंकुर के कहते वो मोमिन वाला जो रास्ता है रहनी है वो नहीं आती है। जीवली के घर में एक दिन स्वामी जी पधराए हैं, रसोई भरी बात सो, अच्छी तरह से कहते रसोई करी जीवली ने, स्वामी जी को भोजन कराते हैं। एक कुक्का धन जी थे वहाँ पर, उन्होंने भी रसोई करी, स्वामी जी को अपने घर में पधरा के बड़े भाव से भोजन कराते हैं। बाल बाल रसोई करके श्री जी के उनके घर में गए, दर्शन किया, बुलाए के बुला करके श्री जी के दर्शन करे हैं, बड़ी खुशी हो करके उधर फूल बाई में उन्होंने अपने घर में वो भी ले गए हैं, राम बाई के घर में, पूरे मनोरथ मन। कहते ना, हमने साथ एक दिन कहा था, जिस घर गुरु भक्ति नहीं संत नहीं मेहमान, जिस घर जम डेरा किया जीते ही संसार। जिस घर में कभी संतों के चरण नहीं पड़ते, जिस घर में संतों का आदर नहीं होता, वो घर कैसा हो जाता है? एक तरह का शमशान हो जाता है। उस घर से कलेश दुख जाते नहीं, दुनिया भर की बीमारी मुकदमा लड़ाई झगड़े उस घर में बनी रहते हैं। इसलिए अपने अपने घर में स्वामी जी को ले जाते हैं उज्जैन में, और भोजन करवाते हैं। कानजी के घर गए, एक उन्होंने पधराए हैं, मुरली है आनंद श्याम जी है, उन्होंने बुलाए श्री जी को, उनके मोहन के घर गए हैं, बड़े 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 सेठ साहूकारों ने बुलाया श्री जी को, अच्छी तरह से सेवा करी है। श्याम बाई के घर गए एक दिन, 23 दिन यहाँ से 22 दिन रहे थे उज्जैन में,
प्रत्येक दिन यहाँ से चलते हैं, नौलाई पहुँचे, नौलाई पहुँचे हैं, एक दिन यहाँ रह के नुनेरे गांव है वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ एक दिन रह करके किसी की बुढ़ानपुर पहुँच जाते हैं, एक दिन बुढ़ानपुर में रह करके यहाँ से फिर चलते हैं, एक दिन रुकते रुकते आगे को बढ़ते हैं, वहाँ से फिर औरंगाबाद पहुँचे हैं, भाव सिंह के घर गए थे, कैसे पहुँचे थे, अभी पहुँचे नहीं हैं, पर बता रहे लालदास महाराज कि कैसे पहुँचे सिंह जी, वहाँ की बीतक सुनना, जिस प्रकार से वहाँ अपने बीतक करी सिंह जी ने, अपनी लीला जाहिर करी, परमहंस लालदास कहते प्यारे सुंदर साहब जी उज्जैन की बात बताई, अब श्री जी महाराज औरंगाबाद पहुँचेंगे, सुन लो बात बड़ी बहुत बड़ी बात है, राणा के मुलक से चल करके सिर जी रामपुरा पूरन मल चारण किया पहुँचे थे, ठहरे थे सिर जी, वहाँ दज्जाल मुसलमान लोगों का फौज पड़ी थी, तो वहाँ से मुकुंद दास को और जो केशव दास और केशव दास को भेजा, ये चार संतों को भेजा स्वामी जी ने, केशव दास को, मुकुंद दास को, खिमाई बाई को, इनको भेजा था, वल्लभ दास को भाव सिंह के पास, चारों विद्वान हैं, तो भाव सिंह राजा को पास भेजा है स्वामी जी ने कि जाकर के राजा को जगाओ, उससे जाके कहो कि भाई हिंदू धर्म मिट रहा है, तुम क्षत्रिय हो करके कब तुम खड़े होगे, गए भाव सिंह के उठे, तो भाव सिंह के यहाँ गए हैं ये केशव वल्लभ बैठे दुकान, केशव वल्लभ दास के दुकान पर बैठे थे, और खिमाई दास उनके साथ में था, मुकुंददास और मुकुंददास बिल्कुल फक्कड़ थे, एक लंगोटी में रहते थे, पर थे धुरंधर विद्वान, मुकुंददास बिल्कुल फक्कड़पन में रहते थे, कितने महीने थे, अब कितने महीने भाव सिंह राजा को मिलने के लिए घूमते रहे कि कैसे मिलूं राजा को, निर्गुण वेश धारण कर रखा है, वेदांत को पद खोजिया, वेदांत शास्त्र है उसको कहते मुकुंददास ने ढूंढा है, निर्गुण रहते मुकुंददास, जब वहाँ महीना भर हो गया नहीं मिल पाए राजा से, तो सोचा कि चलो स्वामी जी के पास चलेंगे, वापस लौटने लगे जब, दिल में किया विचार, तो मुकुंददास ने दिल में विचार किया कि जिस काम के लिए श्री जी ने हमें भेजा था वो तो काम हमने किए ही नहीं, तो जाकर के क्या करूंगा जाके वहाँ, ऐसे मुकुंददास विचार करते हैं, मैं क्यों लौट के जाऊं, ऐसे कहा अरे हमारी जो लीला है, हमारा ज्ञान है, ये जनाऊंगा राजा को बताऊंगा, मैं क्यों लौट के जाऊं स्वामी जी के पास में, भीख मांगे तो भीख मांगे, मुकुंददास ने क्या चुगती सोची कि राजा है, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अगर जाऊंगा तो कुछ तो प्रसाद देना पड़ेगा, तो मुकुंददास ने भीख मांगी, भिक्षा मांगी, वहां से जो अनाज मिला उसको दुकान पे बेच करके फिर इन्होंने कहते एक रेशमी कपड़ा खरीदा और वहाँ एक थैली बनाई, कुछ प्रसाद खरीदा, ऐसा करते हैं उसके बस्तर दिए हैं, रेशमी बना के एक थैली रेशमी बना करके झोली बना करके झोली में प्रसाद भी डाला है, भागवत वेदांत के हाँ, और भागवत के श्लोक वेदांत के श्लोक उसमें लिख करके रख दिए कि राजा को मिलूंगा तो राजा को प्रसाद दूंगा, झोली में डाल रहा है एक प्रसाद की थैली करके मुकुंददास ने किया मिलाप दिन से, वो जो तीन जने और थे वो तो लौट गए वापस, पर मुकुंददास नहीं गए हैं, महंत रामदास थे, तो महंत रामदास थे वहाँ के औरंगाबाद के, वो मुकुंददास को मिल गए एक दिन में बाजार में देखा घूमते हुए,
रामदास ने मुकुंददास को बुलाया कि यहाँ आओ, मिले मुकुंददास को, मुकुंददास को मिले हैं, पहुंचाया तो सत्संग होने लगा। जब सत्संग होने लगा तो मुकुंददास ने कहा भाई श्री कृष्ण की चरदार लीला सुनाई उसको। तो मुकुंद वो रामदास मान कहने लगा कि दुनिया को भड़का रहा, तीन कृष्ण कहाँ है, एक ही तो कृष्ण है। ऐसे कहते वो जब उसका बस नहीं चला तो मुकुंददास को पीटा, लाठी लिए डंडा लिया तो उसे मारा मुकुंददास को। जो औरंगाबाद रहेगा, अगर यहाँ औरंगाबाद में रहेगा कहता हम राजा से मिलना चाहते, हमारे राजा को भड़काएगा, गलत रास्ता बताएगा। तीन श्री कृष्ण बता रहा थे। ऐसे मुकुंददास को मार करके कहते शहर के बाहर निकाल दिया उसने। अब फिर मांगेंगे मारेंगे अगर दोबारा आ गया यहाँ, जो बदनाम करे भाव सिंह को, हमारे भाव सिंह राजा को बदराय करने आया है, दोबारा फिर मारूंगा, यहाँ से चला जा औरंगाबाद से। ऐसा रामदास मांत ने ऐसा व्यवहार किया मुकुंददास के साथ में, जो करके जब छोड़ दिया, ऐसे करके छोड़ दिया मुकुंददास को। मुकुंददास किया विचार, देखो परमधाम की आत्मा कितनी गंभीरता, कितनी सहन शक्ति है। हमें तो कोई जरा सी बात कह देना तो मैं मौका देखूंगा कि बदला लूंगा इसको, इसने मुझे क्यों कहा। पर ये सुंदर साथ जी, ये मोमनों के लक्षण नहीं होते। स्वामी जी की एक ही चौपाई ले लो, कोई देत का साला तुमको, तुम भला चाहिए होते, इसी में बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम इतना नहीं करते हैं तो कहने से बात नहीं बनती। चाहे मैं हूं चाहे आपको, मुकुंददास को पीटा मारा फिर भी कितनी सहन शक्ति है कि जो हमने लक्ष्य लिया है वहां तक हमने पहुंचना, भाव सिंह राजा को मिलना है। इसलिए मुकुंददास क्या सोचते हैं, दज्जाल है ये नहीं मिलने देगा, पर मैंने किसी न किसी बहाना से राजा को मिलना है, स्वामी जी की सूचना देनी है, मैं खबरदार हो जाऊं। एक देहुरा देवी का मंदिर था शहर के बाहर, वहां जाके मुकुंददास बैठते हैं। हाँ, पता चल गया मुकुंददास को कि शाम को राजा देवी के मंदिर में दीपक जलाने जाता है। तो मुकुंददास ने सोचा कि मैं देवी के मंदिर में बैठूं, जब राजा वहां आएगा देवी की अर्चना वंदना करने के लिए तब मैं उसको प्रसाद दूंगा। भाव सिंह रोज जाते थे देवी के मंदिर में, तब ये पत्र दूंगा। ऐसा विचार करके मुकुंददास देवी के मंदिर में बैठ गए जाके, वो अंदर कोने में बैठ गए जाके। तो शाम हुई तो भाव सिंह राजा गया, उसका नियम था देवी के मंदिर में जाकर के अपनी प्रार्थना करता था, ज्योत जलाता था। तो जब वहां गया भाव सिंह राजा तो देखा एक संत बैठा है थक्कड़। ऐसा देखा तो भाव सिंह ने उनको प्रणाम किया, पानी प्रसाद दिया। तो मुकुंददास ने वो थैली दे दी जिसमें प्रसाद भी था और प्रमाण लिखे थे श्री कृष्ण के त्रिधा लीला के, वो दे दिया, ले राजन प्रसाद लो। तो भाव सिंह राजा ने हाथ ले करके सर में लगा करके संत का प्रसाद है और लेकर के अपने घर आया। भाव सिंह प्रसाद को सिर पे चढ़ा करके वक्त प्रसाद की थैली ले ली। जब अपने महल में गया तो खोली थैली तो देखा उसमें तो प्रश्न है, भागवत के वेद के गीता के प्रमाण कितने लिखते थे मुकुंददास ने। तो राजा ने सोचा भाई कोई अच्छा संत है, बुलवाया फिर मुकुंददास को। मुकुंददास को बुलवाया, स्वामी जी की पूछी कि स्वामी जी कहाँ है, आपको भेजा हुआ है, वो स्वामी जी कौन है। मुकुंददास ने पूछा राजा ने कि किनके भेजे आए हो, तो उन्होंने कहा स्वामी कृष्ण दास के भेजे आए। ये नहीं कहा कि मैं प्रामनाथ का भेजा हुआ आया, उनका हम तो स्वामी कृष्णदास के चेले हैं, उनके भेजे हुए हम आपके पास आए हैं, ऐसा कहा है। अपनी आशा लेके कहो। पर दिल्ली में जब थे तो दिल्ली में उसने पूछा था काजी ने कि किसके भेजे आए हो,
जब वो नलुए दिए थे, पांच नलुए, तब क्या बताया था, तब क्या नाम लिया था स्वामी जी का? हैं? सैयद मोहम्मद यमन इस्लाम। वो कहते तुमको किसने भेजा? तो वो कहते सैयद मोहम्मद यमन इस्लाम, उन्होंने भेजा मुझे। अब यहां मुकुंद हस कहते हैं भाव सिंह राजा को कि हमें स्वामी कृष्णदास के हम भेजे हुए आए हैं, आपके पास ये खबर लेकर के आया। खोल पाती पढ़ने लगा, खोल करके पत्र पढ़ने लगा भाव सिंह राजा। और पूछ मिली प्रश्न भागवत, भागवत के जो प्रश्न थे, श्लोक थे, वो राजा पूछ रहा मुकुंददास से। मुकुंददास सारे भेद खोल के बता रहे हैं, और लिखे वेदांत के, और वेदांत के प्रश्न थे वो भी खोले हैं, विचार होने लगा। अब मुकुंददास के साथ भाव से राजा विचार कर रहा, मुकुंददास समझा रहे हैं। कहां दज्जाल बैठा था, वो भी पहुंच गया। रामदास महंत वो भी बैठा सुन रहा था। रामदास महंत वहाँ पर पहुँच गए थे। तीन ईर्ष्या के कहे वचन, उन्होंने कहा अरे राजन इसकी क्या बात सुन रहे हो, ये तीन कृष्ण को बताता है, इसको कुछ नहीं पता, क्यों उसके मुंह लगे हो आप? ऐसा वो कहने लगा रामदास महंत। स्वरूप में विराजन, ये दो कृष्ण को बता रहा है, ऐसे कह रहा है, ये दो कृष्ण बताओ, ये दो कृष्ण को बता रहे हैं जो कहूंगा शास्त्रों में, शास्त्रों कहीं नहीं है कृष्ण, तो ये कहीं था, दो कृष्ण कहाँ से आ गए, ऐसा बताता ये। इस महात्मा का मुंह ना देखो, ऐसा वो रामदास महंत राजा से कह रहा। चर्चा कैसी से, इनके साथ कैसी चर्चा करते हो आप? तब भाव सिंह बोल गया, तब भाव सिंह ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा क्यों कहते हो तुम्हें? ऐसी कहो तुम, ऐसी क्यों कहो, ये तो प्रमाण श्लोक है श्री कृष्ण के त्रिधा लीला के, तुम दो नहीं तीन कृष्ण हैं, ऐसा कहने लगे। ये तो भला कहते हैं, ये तो अच्छा कह रहे हैं, निज स्वरूप बताओ, निज स्वरूप को वर्णन करते हैं कि जिन्होंने ब्रज लीला करी, रास लीला करी, वो अक्षरातीत पार ब्रह्म की शक्ति ने लीला करी, और रास के बाद सात दिन गोकुल में रहे, चार दिन मथुरा के कहे, गद मल कंस को कारण की ओबसेन को टीका दियो, कारागृह में दर्शन दियो, जिन आय छुड़ाए बंद से तिन, यादिन थे भयो अवतार, तब कृष्ण विष्णु में भय निर्धार। रास के बाद सात दिन गोकुल में रहे और मथुरा में चार दिन के अंदर आकर कितना काम किया, गजमल कंस को मारा, अपने नाना उग्रसेन को गद्दी पर बैठा रहा, माता पिता को जेल से मुक्त किया, कंस को मारा, यहां तक गौलोक की शक्ति ने काम किया। उसके बाद फिर जरा सिंह ने जब चढ़ाई कर दी, क्योंकि कंस का ससुर था कि हमारे जमाई को मार दिया, मैं बदला लूंगा, तब कहते विष्णु की शक्ति रह गई जो द्वारकापुरी तक करी रही। तो श्री कृष्ण की त्रिधा लीला है, राजा कहते दो नहीं तीन कृष्ण हम बता रहे हैं। भाव सिंह जान गया, भाव सिंह जान गए, वो रामदास महंत बार बार बुराई करता मुकुंददास की, तो भाव सिंह राजा समझ गया कि ये बुराई क्यों कर रहा महात्मा की। ये दज्जाल है हराम खोर, ये तो बुराई कर रहा है, ये इसका दुश्मन है, ये नहीं चाहता कि महात्मा यहाँ रहे, ऐसा कहते हैं। तो करते इतना शोर कर रहा ये, छोड़ दो मुकुंददास को। राजा ने कहा कि मुकुंददास को हमारे महल के पास जगह दो, इनसे फिर मैं सत्संग करूंगा, सुनूंगा, और हमारी हवेली पास, हमारे हवेली पास मुकुंददास को जगह दो। तब रामदास को लिया, रामदास ने क्या कहा, इनकी सेवा की हमें आस। अरे राजन साधु तो साधु पास अच्छा लगता है, इनको हम अपने घर ले जाएंगे, हम अपने पास ठहराएंगे, इसलिए मुझे इन सेवा की आशा, हम सेवा करेंगे इनकी, आप हुक्म करो हम इनको ले जाऊं अपने घर, अपने घर ले जाएंगे। रामदास महंत कहने लगा, तब मुकुंददास ने कहा कि राजन ये आपके जो महाराज हैं बहुत अच्छी सेवा करते, दो दिन पहले हमारी सेवा ऐसी करी थी,
नकुंदास ने पीठ दिखाई राजा को, सेवा करी, अच्छी सेवा करी थी रामदास ने, पीठ दिखाई मुकुंदास ने भाव सिंह राजा को, और लाठी के निशान पड़े थे पीठ में। जब ऐसी पीठ दिखाई तो एक पीठ भाव सिंह को, मुकुंदास ने कहा कि आपके महंत ऐसी सेवा करते महात्माओं की, देखो हमारी दो दिन पहले सेवा करी, हमारी ये पीठ देखो निशान पड़े थे लाठी के, तो भाव सिंह को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, धक्का दे के निकाल दिया कि तुझे शर्म नहीं आती, महात्मा वेश धारण करे, भगवान का वेश धारण कर रखा और इतने जुल्म करता है, इतना पाप करता है, इन महात्मा को मारा तुमने, निकल जा हमारे यहाँ से। ऐसे भाव सिंह ने बुरी गाली दे करके निकाल दिया, उठा दिया वहां से, बुरी गाली दे करके उठा दिया, तू महात्मा नहीं, तू दयाल है, दुष्ट है, तू महात्मा भेष में है, पर तेरे एक लक्षण नहीं महात्मा वाले, ऐसे गाली दे करके वहां से भगा दिया रामदास को। जो मेरे नाम थे, अरे हमारे यहाँ कोई संत महात्मा आता है उसकी ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा करता तुझे शर्म नहीं आती है, तो महात्मा को वेश धारण करके तेरे लक्षण ऐसे हैं, हमारे राज से चले जाओ, ऐसा कह दिया भाव सिंह ने, जाओ देश में कहीं चले जाओ, हमारे राज से चले जाओ। मुकुंदास की दिशा करी, मुकुंदास को प्रार्थना करी राजा भाव सिंह ने कि महाराज माफ करना, मुझे पता नहीं था कि इसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, और मुकुंदास बताना भी नहीं चाहते थे। जब रामदास ने कहा कि हम अपने घर ले जाएंगे, तब मुकुंदास ने सोचा कि थोड़ी हड्डी पसली जो बची है वो भी तोड़ देगा ये, तब मुकुंदास ने बताया है। अब वहां पर राजा ने ब्राह्मण रहते थे, राजा लोग सब हथियार रखते हैं, कोई विद्वान आ जाए और चैलेंज देते तो राजा विद्वान भी रखते थे, तो चार पंडितों को रखा हुआ था राजा ने, और उनको तनख्वाह देते थे कि हमारे राज्य में कोई आके विद्वान अगर चैलेंज देता है तो तुम उसके साथ शास्त्रार्थ करना। ऐसे कहते पंडितों को कहा, इनका जवाब दो महात्मा जी का, तो हमारी किसी तरह हमें पहचान हो जाए। उनको जवाब नहीं आया पंडितों को, हमने पहले भी कहा था कि ब्राह्मण ऐसी विद्या पढ़ता है जिससे अपनी कमाई हो, पर संत ऐसी विद्या पढ़ता है जिससे आत्मा का कल्याण हो। तब भाव सिंह मर जिया। जब उनको जवाब नहीं आया मुकुंदास की बातों का, तो जवाब तुम्हें तो बुराई करने लगे। तब भाव सिंह ने मना किया कि तुम्हें अगर नहीं तुम्हें अर्थ आता है तो बुराई क्यों करते इनकी। तब मुकुंदास ने क्या कहा, हाँ ठीक है राजन, मुझे कुछ नहीं आता है, पर तुम्हारे पंडित जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा, और मैं पूछूंगा तो ये जवाब दे, जो दोनों में से हार जाएगा उसके गले में जूतों का माला डाल करके शहर में घुमाया जाए। ये शर्त रख दी मुकुंदास ने, हाँ ये पूछेंगे हम जवाब दूंगा उसका, इनका मन मनाऊंगा, विश्वास इनको जब हो जाए मैं पूछूंगा इनको, और माइंड से जो प्रश्न पूछूंगा उनको जवाब देंगे हमें, जो हारे दो मिले। हाँ मुकुंदास ने कहा जो हारे दो मिले, हमारे में से पंडितों में से जो दोनों में से कोई हार जाएगा तो नहीं मान के फिरा, उसके गले में जूतों की माला डाल करके गधे पर बैठ के शहर में घुमाया जा। मुकुंदास जानते थे कि स्वामी की प्रार्थना जिससे बढ़कर के इस दुनिया में कोई और ज्ञान है नहीं, उन्हें विश्वास था, इसीलिए मुकुंदास ने शर्त रख दी। अब ठीक है, पंडित ने स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने 80 प्रश्न लिखे पंडितों ने, 23 मुकुंदास ने 23 प्रश्न लिखे थे, 15 दिन की मोहलत रही, और राजा ने कह दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर दोनों का फैसला हो जाना चाहिए। किसी तरह विश्वास हो राजा को कि ये अक्षरातीत पारब्रह्म शक्ति आई हुई है। पंडितों को रोज राजा 10-20 रुपया देते थे, रोज की तनख्वाह है,
दिया करते थे, दस बीस रुपया रोज देते थे राजा। पर राजा ने कह दिया जब तक फैसला नहीं होगा तब तक तुम्हारी तनख्वाह नहीं दी जाएगी। ऐसा राजा ने कह दिया उनको, तभी हम आपको देंगे। अब उनके प्रश्न क्या थे, 14 लोग के अंदर के प्रश्न थे, मुकुंददास ने उसी दिन खोल दिए और राजा को कहा राजा आप इंसाफ करो। पंडित मान गए कि हाँ सही है, उसी दिन खोल दिए, साफ बोल के बता दिया मुकुंददास ने। मुकुंददास ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। भाव सिंह राजा आप इंसाफ करो, उत्तर तो आगे नहीं। अरे ऐसे ऐसे प्रश्न कर दिए थे वो क्या खोल पाएंगे। उन्होंने कह दिया जब संसार में कुछ भी नहीं था, 5 तत्व नहीं थे, 3 गुण थे नहीं थे, 14 लोक नहीं थे, प्रकृति पुरुष कुछ भी नहीं था, तब क्या था। एक ही प्रश्न में चक्कर काट गए, नहीं बता सके। 23 प्रश्न तो बहुत थे, एक ही 2 प्रश्न में चक्कर काट गए, वो उत्तर नहीं दे सके। वो पंडितों ने विचार किया कि भाई अब महात्मा से माफी मांगेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो हमारी ये रोजी रोटी मार देंगे। चले आए मुकुंददास पे। तो रात को जहाँ मुकुंददास ठहरे हुए थे वो पंडित रात को आ गए मुकुंददास के पास में, आकर के बोले महाराज जी आप तो संत हैं, भगवान स्वरूप होते हैं, हमारे पे मार होते, हमारे बच्चे हम पालते थे, जो पैसा मिलता था राजा ने बंद कर दिया, हम आपके प्रश्न को उत्तर नहीं दे सकते, कृपया हमारे ऊपर कृपा करें, हमारी तनख्वाह दिलवाने लगे हैं। जो स्वामी जी हाँ, अगर आपके स्वामी ने यो ही कहा, कौन स्वामी जी, कृष्णदास, जो स्वामी जी आपके ने यही कहा है कि ये ज्ञान लेकर के पंडितों की रोटी मारो, तो ठीक है महाराज जी मैं अपने चुपचाप घर चले जाएंगे, नहीं तो हमारा छुटकारा करो, हम एक बार नहीं आपसे 100 बार हार गए। ऐसा पंडितों ने कहा मुकुंददास को, अगर इस ज्ञान को लेकर के तुम्हारे गुरु ने कहा है, इस ज्ञान को लेकर पंडितों की रोटी मारो, तो ठीक है हम चुपचाप चले जाएंगे। तो हमारा क्या चारा, तो हमारा क्या चारा चलेगा, संतोष पकड़े मन, हम तो संतोष कर लेंगे, ना तो हमारा छुटकारा करो, नहीं तो हमारा छुटकारा करो। महाराज ये ब्रह्म ज्ञान है, हमें नहीं आता, हम नहीं जान सकते, हमारा छुटकारा करो। हम 10 बेर हार गए, हमें राजा से कहते हमारे पैसे दिलवाने लगो। तब मुकुंददास ने कहा कि हमारे गुरु का ये आदेश नहीं कि किसी की रोजी रोटी मारो उस ज्ञान से, पर तुम कहते थे ये महात्मा कुछ नहीं जानता है, इसलिए हमने शर्त रखी है। हम कहेंगे राजा को। तब भाव सिंह को मुकुंददास ने कहा कि राजन ये ब्राह्मण हैं, आपके राज में पड़े हैं, पड़े रहने दो, इनके पैसे देते रहो, ये ब्रह्म ज्ञान है, इसको तो ब्रह्मा जी नहीं जान सके जो सृष्टि की रचना करने वाले, ये पंडित क्या जानेंगे। ऐसे मुकुंददास ने कहा उत्तर दे प्रश्न, ये प्रश्न को क्या उत्तर दे पाएंगे, ये तो लीला अखंड की, उस अक्षरातीत पार ब्रह्म का ज्ञान है, वो लीला है, ये क्या बेचारे बता पाएंगे। इनका ना पहुंचे मन, इनका मन वहां तक पहुंच नहीं सकता है। तब राजा ने क्या किया, 20 रुपया देते थे तो 10 रुपया कटौती कर दी, 10 रुपया दिलाने लगे, भाई तुम हार गए हो इसी तुम्हें 10 रुपया मिलेंगे, अब 20 नहीं मिलेंगे रोज के। आधे का किया हुकम, आधे का हुकम कर दिया राजा ने। तो प्रातः काल मिल करके मुकुंददास ने कहा कि तुम्हारा काम कर दिया, काम किया तुम्हारा, हमने तुम्हारी तनख्वाह बंधवा दी है। दिन दूसरे तीसरे 2-3 दिन राजा ने खूब सुना, मुकुंददास खूब सुना रहे हैं, सारे भेद खोल खोल करके सुनाते हैं। नीचे काम दिए, यहाँ से लेकर के पाताल से लेकर के परम धाम तक का ज्ञान सुनाया है मुकुंददास ने। तारतम नीचे सुनिया, तारतम ज्ञान को अच्छी तरह मुकुंददास सुना रहे भाव सिंह राजा को, भाव सिंह को पहचान हो गई। प्यारे की, तब कहा, तब मुकुंददास ने कहा
वो प्राणनाथ है हमारे, हमने आपको कह दिया था क्यों कि हम श्री कृष्ण के उपासक हैं, इसलिए कह दिया स्वामी कृष्ण दास ने भेजा, वो हमारे प्राणों के नाथ हैं, अक्षरातीत हैं। तब रभाव सिंह राजा ने कहा कि अब स्वामी प्राणनाथ जी को बुलवाओ, सवारी ले तुम और सवारी लेकर के जाओ, सवारी भी लेके आओ, ले बकरी बूंदी से, बूंदी कोटा है वहां से, बूंदी से हमारे हाथी वगैरह रहते हैं, वहां से हाथी लेकर के जाओ, और घोड़े दे रहे हैं, और घोड़े दे रहे हैं, घोड़े भी ले जाओ, चलो जी साजी से कल बात करेंगे। हाँ हाँ चलो, एक हवेली बूंदी में राजा ने, वहां बूंदी तक राज था तो राजा ने लिख दिया कि जो स्वामी जी आ रहे हैं उनके लिए एक हवेली खाली कर दी जाए रहने के लिए, रहने को लिख दिए राजा ने, कहां बाईजी को श्री जी को रखना है। ऐसे राजा ने मुकुंददास को कहा, मुकुंददास मुकुंददास औरंगाबाद से चल देते हैं, वहां से बूंदी में जाके हाथी लेकर के और स्वामी जी के पास पहुंचते हैं, पहुंचे मंदसौर में स्वामी जी आ गए थे, वहां जाके मिले श्री जी को, और राजा ने खर्चा भी दिया था रास्ते के लिए, मंदसौर में आकर के सारी बात स्वामी जी को बताई कि राजा बहुत भावक है, स्वामी जी आपको बहुत याद कर रहा है, आप चलो अभी ले चले श्री जी को, श्री जी को लेके चलते हैं, वहाँ से फिर औरंगाबाद पहुँचे, बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, भाई मुलाकात हवेली में। जब स्वामी जी हवेली में ठहराए गए तो भाव सिंह राजा चल करके आया स्वामी जी के दर्शन करने के लिए, नंगे पैर चल करके आया कि मुकुंददास महाराज इतने ज्ञानी है, उनके चेले, इनके अंदर कितना खजाना भरा होगा। ऐसे भाव सिंह राजा नंगे पैर चल करके स्वामी जी के मिलने जा पहुंचा, भाव सिंह आ करके दोनों स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया है, मत्था टेका, एक दीदार समय जैसे स्वामी जी के दर्शन किए, जान गया कि परमात्मा स्वरूप है, देख दीदार समय अपनी आत्मा को धन धन समझा कि हमारा जीवन धन हो गया, ऐसे परमात्मा स्वरूप आकर के हमारे राज्य में चरण रखे हैं, तो भाव से सेवा करने लगा, यहाँ पर भंडारा खोल दिया संतों के लिए, अपनी हवेली के पास में रहने को ठिकाना दिया श्री जी को, अच्छी तरह से सेवा करी, नरसैया के शब्द के संग नरसी भगत हो गए, श्री कृष्ण के बड़े परम भक्त हो गए, ऐसी कहते सुन करके किरणता में बड़ा मगन, माने खुशी हो रहा राजा, आप लगा नाचने, खुशी के मारे नाचने लगा, जब ऐसे ऐसे कीर्तन सुने, जैसे मोमन होती है ऐसे मोमन की तरह खुशी में नाच रहा है, भक्ति भाव उसके अंदर था, परमेश्वर हाँ परमात्मा समझ करके सेवा कर रहा, सक कछु ना हो गई, जिनका भाव होता है भक्ति होती है उसमें उसको शंका नहीं रहती है, भक्ति भाव के ऊपर कोई शंका नहीं रहती है, नित माने रोजाना, ऐसे कहते जो मुकुंददास ने ज्ञान सुनाया था और नित मन रोजाना अपने अंदर उनको चिंतन करता है, राम जी को अपने अंदर पधराता है, रास लीला के जो किरंतन थे सो राजी होवे निताज, रास लीला के जो किरंतन है रामते हैं वो भी सुंदर साथ गाते सुनाते हैं, तो बड़े खुश हो गए भाव सिंह, प्यारे की जय। चंद्र साथी छुपाई नित अपने
अपने अंदर पदरावत श्री राज रासलीला के कीर्तन रासलीला के कीर्तन राजी होवे इनका राजी होवे इनका राजी होवे इनका श्री प्रणाम प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की प्राणनाथ प्यारे की बाजूराज महारानी जो की महाराजा छत्रसाल की परमहंस लालदास महाराज की परमहंस राम रतन दास साहेब की बाबा दयाराम साहेब की प्यारे सुंदर साथ की प्रणाम श्री धाम श्री वाहेगुराज की श्री महाराजा चरण श्री सुंदर साहब श्री सुंदर साहब प्रसंग लंबा है, कोई बात नहीं है, हो जाए कल दो घंटा चलेगी, 10 मिनट तो ही कीर्तन वाले खा जाते हैं, इन्हें अपनी पड़ी होती है, मैं अपनी पड़ी सुंदर साहब जी आज की सेवा सभी सुंदर साहब जी की तरफ से ही है, जो आपने भाव से राजी महाराज का भोग और टुकड़े का प्रसंग है इसमें अपने भाव व्यक्त किए हैं, और साथ ही साथ आज की विशेष सेवा जिन्होंने दी है श्रीमती विमला सुखीजा, श्री मनोज सुखीजा और श्री सुभाष जी कटारिया की ओर से है, बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। राजीव महाराज की कृपा आप सब पर पल पल को भी बढ़ती रहे, सद्भावों के साथ आरती के लिए सुंदर साहब की प्रेरणा है। पूर्ण प्रेम प्रेम से न्यारे पूर्ण प्रेम प्रेम से न्यारे आनंद अखंड अपारे आनंद अखंड अपारे चेतन से शन पावे पाए अगम जान के निगम काए खोज खोज प्रतिवाए जान के मूल दिया नाम खुली स
प्यारे की नाम के धनी के जय सतगुरु महाराज की भगत राम साहेब आपकी सदा जय राम रतन दास साहेब आपकी सदा समस्त सुंदर साथ की जय समस्त सुंदर साथी को प्रणाम किशोरी मेरा के सखी सखी।